निरसा थाना क्षेत्र के निरसा कांटा पहाड़ी बस्ती में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल अधेड़ रात को करीब 2 बजे ग्रामीणों के घरों में ताक झांक कर रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही देर में हो हल्ला मच गया कि ये बच्चा चोर है। इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोपीनाथपुर पहाड़ी के पास नरसा थाना अंतर्गत पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति प्रथम से जो कि रंगा माटिया का है, उस पर भीड़ के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। थाना को सूचना मिलते ही यहां से थाना प्रभारी चार्ज में जो थे और जो भी पेट्रोलिंग पार्टी थी, सभी लोग वहां पहुंचे, उसको रेस्क्यू किया गया और तत्काल PMCH भेजा गया, जिसमें कि गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इस संदर्भ में अग्रतर चार से पाँच लोगों को कस्टडी में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, और जिनका भी इसमें फर्दर नाम आया जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो अफवाहें फैल रही है, ये जो घटना हुई वो बच्चा चोरी के नाम पर हुई कि कोई व्यक्ति जो है बच्चा चोरी करने आया है और उसके साथ मारपीट की गई है। इस तरह की जो अफवाहें फैल रही है, लोगों से अपील भी होगा कि इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। कोई भी बच्चा चोर नहीं घूम रहा है, वो व्यक्ति भी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिस पर हमला किया गया और इस तरह की अनहोनी जो है वो हुई। नहीं देखिए, वो एक विक्षिप्त आदमी था जो घर से गायब था और हम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछले कई दिनों से वो बच्चा चोरी का रूमर इस इलाके में या धनबाद ज़िले में हो रही, और चिल्ड्रंस डे होने के नाते वो बैलून चॉकलेट्स तमाम चीज़ें लेते हुए वो कल रात को एक जगह गया था, जहां लोगों ने बच्चा चोर समझ के उन्हें मतलब भीड़ ने पीट कर उसको उसकी हत्या कर दी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एसपी ने ग्रामीण एसपी ने आश्वासन दिया है जो उस पर FIR दर्ज करते हुए जो सही है तमाम तथ्यों को जानकारी लेते हुए जो सही है उसके आधार पर। मॉब लिंचिंग के नाम पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए किसी के साथ मारपीट की यह निरसा की पहली घटना है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ पुलिस ने क्षेत्र के तमाम लोगों से अपील की है कि बच्चा चोरी जैसी कोई भी घटना निरसा में नहीं है, अतः लोग किसी भी तरह की अफवाह से बचें। न्यूज़ डेस्क।